13 अक्टूबर 2024 को दक्षिणी हाइफा के बिन्यामिना बेस पर हिजबुल्ला ने दो ड्रोन अटैक किए थे। इन दोनों ही ड्रोन इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर इसराइल में जा घुसे और इनमें से एक ड्रोन ने फटने से पहले आईडीएफ के बेस पर एक मिसाइल फायर की, जिसमें करीब 60 से ज्यादा सैनिक घायल हुए और 4 जवानों की मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि इस ड्रोन को इसराइल का सुपर पावर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और इस हमले से एक बात तो साफ हो गई कि इसराइल इस बात को माने या ना माने, लेकिन हिजबुल्ला के ड्रोन्स का तोड़ उसके पास नहीं है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी करके इसराइल को अपने ड्रोन पावर का एहसास करा दिया है। दरअसल हिजबुल्ला ने जो वीडियो जारी किया उसने उसे आर कैपेबिलिटीज आर इन एक्सीलेंट शेप नाम दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारी क्षमताएं उत्कृष्ट स्थिति में है। खैर, अब बात आती है हिजबुल्ला के इस वीडियो की। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में हिजबुल्ला के लड़ाके ड्रोन्स को स्टोर रूम से बाहर निकाल कर उन्हें इसराइल पर फायर करने से पहले फील्ड में उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में हिजबुल्ला के ड्रोन मिसाइलों से लैस नजर आ रहे हैं, जो कि ये पहली बार है जब हिजबुल्ला ने अपने ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस दिखाया है। इस वीडियो के जरिए हिजबुल्ला का दावा है कि उसके रणनीतिक अड्डों पर इसराइल हमले के जो दावे कर रहा है वो पूरी तरह से झूठे हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि ये वीडियो इस बात का जीता जागता सबूत है कि उसके हथियार डिपो इसराइली हमलों से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसको लेकर हिजबुल्ला के मीडिया हेड मोहम्मद अफीफ का भी कहना है कि हिजबुल्ला के हथियार डिपो पर हमले नहीं हुए हैं। इजरायली मीडिया जो इस तरह के दावे कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। उल्टा इजरायली फौज मर्जिया जैसे इलाकों में रेस्क्यू टीम को राहत बचाव का कार्य करने से रोक रही है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन रुक रहा है। अफीफ का ये भी आरोप है कि कुछ लोकल मीडिया हाउस इसराइल का नैरेटिव फैला रहे हैं, जिसको लेकर लेबनानी सरकार इसराइल पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अफीफ का ये भी कहना है कि हिजबुल्ला के हमलों में आईडीएफ को जो भी नुकसान हो रहा है, इसराइल उसे मीडिया में आने से रोक रहा है। ऐसा करके वो अपने नाकामियों को छिपा रहा है।